नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य मौजूदा सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से भारत के विभिन्न प्रांतों में एकता को बढ़ावा देना है इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दिवस पर की और उस दिन से ही हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते आ रहे हैं और इसी के संदर्भ में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गवर्नमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के चित्रकार जो आज बात करेंगे त्रिपुरा में चित्रकला की स्थिति पर तो स्वागत करते हैं सर आपका नमस्ते पहले तो मैं दूरदर्शन के सभी दर्शक जो है उनको आपको मेरा प्रणाम मैं जयदीप भट्टाचार्य हूँ और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में एज ए टीचर हूँ और मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ जी तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले त्रिपुरा में कला की जो स्थिति पर उस पर थोड़ी सी अगर बात शुरुआत कर दी जाए तो आ, त्रिपुरा में आ, कला का जो विकास है उसके बारे में बोलने से पहले कला का जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बोलना जरूर ज़रूरत है जब ही मानव जाति का विकास शुरू हुआ हम लोग जब आ, मानव जाति जा, डेवलपमेंट में जा रहे थे तभी उन लोगों को आ, उनके मुंह में कोई भाषा नहीं, नहीं था, नहीं। था। उन, वो लोग आ, कैसे उसके मन के भाव को प्रकाश करना है उसके लिए वो लोग गुफा के जो केव के, के, के हैं, हैं गुफा में, में है गुफाओं में डिफरेंट टाइप का नक्शा या कोई प्लानिंग जो है उनको शिकार करने जाना है उसका प्लानिंग करके वो लोग खुद का भाव का मे एक्सप्रेस करते थे वो लोग उसके बाद धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ है आ, मानव जाति का भी हुआ है इक्वली आर्ट एंड कल्चर का भी हुआ है यहाँ पर तो त्रिपुरा के आर्ट एंड कल्चर का जो जो पायोनियर है वो हमारे मानिका डायनेस्टी से हम अगर पकड़े तो वहाँ पर महाराजा बीरेंद्र किशोर मानिका जिनका पीरियड था एटीन 1883 से 1923 तक थ्री तक उन, उनका राजतवकाल था तो वो बहुत ही गुणी चित्रकार थे नॉट ओनली चित्रकार वो एक अच्छे स्कल्प्टर और एक प्लेनर भी थे प्लेनर इन द सेंस उनके राजत्यकाल में इतना ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट भी हुआ त्रिपुरा में यहाँ पर बहुत सारे न, 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 महल जो है अभी जो हमारा जो ड़ाज़... ललित कला की बात करें जो जिसमें कि जो वास्तुकला आ जाती है, है और चित्रकारी तो खैर है, है।, है सभी में उनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था और महाराजा बीरेंद्र किशोर मानिक उनका खुद का एक आर्ट का स्टूडियो था जहाँ पर... मैं ये जानना चाहूंगी आपने क्योंकि यहाँ पे शुरुआत की है मानिक डायनेस्टी के समय की जो राजवंश था तो उस समय किस तरह की चित्रकारी का प्रचलन था किस तरह के चित्रों को ज्यादा महत्व दिया जाता था एक्चुअली uh, बीरेंद्र किशोर मानिक को बहादुर तो उनका uh, जो लाइब्रेरी था उसका कलेक्शन था उसमें बहुत सारी यूरोपियन आर्ट का uh, बुक का और इंडियन बुक का uh, और वो जो काम करते थे वो वेस्टर्न एकेडमिक टेक्निक जो था उसमें काम करते थे हम अगर त्रिपुरा के साथ साथ पूरा भारत का इतिहास उस टाइम पे अब अगर फोकस करें आर्ट एंड कल्चर का तभी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में राज कर रहा था तो कंपनी पेंटिंग का स्टार्ट हुआ था यहाँ पर तो एक वेस्टर्न एकेडमिक टेक्निक जो है वो लोग अंग्रेज लोग जब भारत में आए वो लोग भारत को देखा उन लोगों ने तो उस टाइम का जो आर्ट एंड कल्चर था उसका जो जो था। हाँ जो दरबारी आर्टिस्ट थे जो एक कई राजाओं के दरबार में आर्टिस्ट रहा रहा करता था उस टाइम पे तो वो लोग फरमाइशी पेंटिंग बनाते थे, थे जैसे कि पोर्ट्रेट या तो राजा शिकार पे जा रहे राजा का उसका जो पूरा सीनारियो है वो बनाते थे, थे तो जो कंपनी पेंटर्स वगैरह मैंने कंपनी पेंटिंग जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या हुआ कि आम जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो पेंटर थे मिनिएचर पेंटर ही बोली आप उनको आ, उन लोगों ने ट्रेंड किया कॉन्वर्ट किया उन लोगों को वेस्टर्न एकेडमिक टेक्निक सिखाकर उनको एक अलग सा उनको लेवल उनका क्रिएट किया तो उसका जो प्रभाव उस समय यानी आप कहना चाह रहे हैं जो मिनेचर यानी कि जो धातुओं पर जो पत्थरों पर जो आ, कलाकृति करते थे वो लोग बाद में चित्रकारी में चले गए नहीं चित्रकारी में थे वो लोग एक्चुअली अच्छा। उस टाइम का इंडियन जो पेरीफेरी था उसका जो जो स्टाइल टेक्निक या कलर का अप्रोच था वो वेस्टर्न टेक्निक से नहीं मिलता था तो वो लोग आ, उनको ट्रेन किया जो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो लोग बाहर से वहां से लंदन से जो चित्रकार थे उनका उनको लाकर यहाँ पर यह किया और उन पर तो जरूर यूरोपियन आर्ट फॉर्म का प्रभाव एकदम वही मैं बोलना चाहता था क्योंकि उस टाइम यूरोपियन जो एकेडमिक टेक्निक है उसका प्रभाव इंडियन आर्टिस्टों में आया जिसमें हम देख सकते हैं राजा रवि वर्मा का काम राजा रवि वर्मा ऐसे एक पेंटर थे जिन्होंने हमारे सामने हमारा जो देव देवी है उसका स्वरूप जो इंसान के तरह होता है वो उसके पहले कॉन्सेप्ट नहीं था उन्होंने लाया वो कॉन्सेप्ट तो राजा रविवर्मा को यहाँ पर हम जब वीरेंद्र किशोर मानिक को उनको हम देखते हैं तो उनके साथ कंपेयर किया जाता है क्योंकि उनका जो स्टाइल था वेस्टर्न एकेडमिक टेक्निक के तौर पे था वो उसका स्किलफुल ड्राइंग था पेंटिंग था और उस समय उन लोगों ने ऑयल कलर में ही काम स्टार्ट किया था आपने जैसे कि कहा कि मानिक्य राजवंश के समय राजाओं पर तो इस तरह के आर्ट का जो कि आपने कहा फरमाइशी जो चित्र बनाने की फरमाइश ज्यादा होती थी और वो भी अलग अलग किसी दृश्य के ऊपर आप जैसा कि कह रहे हैं समाज में किस तरह का प्रभाव था तब त्रिपुरा के समाज में देखिए त्रिपुरा का जो माने आर्ट का सिनेरियो था मानिक को वो उज्जैंत पैलेस के अंदर ही था वो बाहर नहीं निकला था तो लोगों में उतना प्रचलित नहीं, नहीं नहीं उतना प्रचलित उस टाइम का नहीं था बट uh, हमारे जो राजा महाराजा थे उनके जो uh, पुत्र मैंने uh, एक के बाद एक जो सिंहासन uh, पे uh, उन्होंने अपना गद्दी संभाला उन लोगों ने वो लोग लो आर्ट एंड कल्चर को बहुत प्रमोट करते थे बट uh, वो राजवाड़ी के अंदर ही था जैसे कि हम समरेंद्र uh, किशोर uh, महाराज कुमार महेंद्र देव बर्मन धीरेन्द्र कृष्ण बर्मन कुमार नरसिंह चंद्र वो उन लोगों के बारे में बोल सकते वो लोग त्रिपुरा राजबाड़ी के प्रमुख अंश थे और वो लोग भी आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते थे राजबाड़ी के अंदर ही और और एक बात है जो मैं कुछ देर पहले बोला था तो दरबारी जो आर्टिस्ट है तो त्रिपुरा के राज दरबार में भी आर्टिस्ट थे अग्नि कुमार जी थे जो यहाँ पर काम किया करते थे फरमाइशी काम ही बोले पोर्ट्रेट बनाना या ज़्यादातर जो पेंटिंग उस टाइम का होता था और वीरेंद्र किशोर मानिक बहादुर भी जो पेंटिंग बनाते थे, थे ज़्यादातर हमारे जो धर्मीय जो प्रेखापट है उसके अंदर बनाया जाता है जैसे कि उनका धार्मिक परिप्रेक्ष्य को लेकर हाँ, वो काम करते का हैं परिप्रेक्षिक कर। हाँ। या तो फिर त्रिपुरा के जो राजमाला है उसके ऊपर काम किया करते थे रविन्द्र चक्रवर्ती जो कि एक ट्रेंड आर्टिस्ट थे जिन्होंने गवर्नमेंट आर्ट स्कूल से उन्होंने सीखा था जो कि अवरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे इंडिया में जो आर्ट मूवमेंट हुआ जी, उसमें अवरेंद्र नाथ टैगर का बहुत बड़ा हाथ है जो बेंगोली स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से परिचित है जिसका एक अलग सा डिपार्टमेंट अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में है ओरिएंटल आर्ट डिपार्टमेंट हमने मानिक के जो राजवंश था उसके संबंध में जाना अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आजादी के बाद यानी कि भारत के आजाद होने के बाद जो कला थी उसको मैं कहूँगी कि त्रिपुरा में कला ने किस तरह का मोड़ लिया भारत के आजाद होने के बाद क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव त्रिपुरा पर उतना ज्यादा नहीं था तो क्योंकि यहाँ पे राजाओं का राज था तो तब किस तरह से मतलब कह सकते हैं कि चित्रकारी ने किस तरह का मोड़ लिया देखिए त्रिपुरा में जो आर्ट प्रैक्टिस हो रहा था उस टाइम पे तो मैं राजबाड़ी के अंदर ही हुआ था और एक बात है कि हम सभी जानते हैं त्रिपुरा के साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी का इतना अच्छा संबंध था जो कि एक खुद भी एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे नॉट ओनली कि राइटिंग में भी उनका, हाँ। दक, उनका दक्षता थी दक्षता वो चित्रकारी थी, भी, वो बहुत, पसंद भी थे थे, बहुत पसंद करते थे और संगीत उन, के साथ हाँ और वो बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे कंट्री भी विजिट करके आए थे तो उस उनके साथ हमारे यहाँ का महाराजाओं का जो टर्म्स टर्म्स था वो सेवन टाइम्स यहाँ पर आए त्रिपुरा में तो उनके थ्रू भी आर्ट एंड कल्चर त्रिपुरा में आया बाहर का जो एटमोसफेयर था वो त्रिपुरा में आया बट वो राजबड़ी के बाहर नहीं गया क्योंकि साधारण कॉमन जो पीपल था यहाँ पर एक्चुअली त्रिपुरा में कोई ट्रेडिशनल फोक आर्ट वैसा कुछ नहीं है हम यहाँ पर देख सकते हैं क्राफ्ट बैंब का क्राफ्ट है तो सुरेश चंद्र देवर्मन जो कि लास्ट दरबारी आर्टिस्ट थे जो ट्रेंड आर्टिस्ट थे वो ने उन्होंने बहुत सारे ऑयल में पोर्ट्रेट वगैरह बनाया और जो भी आज भी आप राजबाड़ी में जो अभी फ़िलहाल उज्जैन प्रसाद आप म्यूजियम में कॉन्वर्ट हो वहाँ पर जाने से आपको मिलेगा वो और आ, हमारा जो और एक आर्टिस्ट है मैंने इसका उनका नाम है आ, श्यमेंद्र नाथ चक्रवर्ती वो भी बहुत सॉरी रविंद्रनाथ चक्रवर्ती वो भी बहुत सारे काम उन्होंने किया था उन्होंने राजमाला के ऊपर काम किया था वो भी आज तो है आप ये कहना चाह रहे हैं रविन्द्र टैगोर जिस तरह से कई देशों में घूम घूम और जगह जगह गए और उसके बाद त्रिपुरा में जो उनका आना हुआ उनके साथ बहुत सारे आर्ट का जो फॉर्म है या कला में जो बदलाव आए तो वो त्रिपुरा में देखने को मिला त्रिपुरा के समाज में और आम जनता मैं ये देखने को घूमने आम जनता में राज आ, राज फैमिली का जो आखिरी हमारा महाराजा थे वीर विक्रम किशोर मानक बहादुर उन्होंने उज्जैंत पैलेस में उस टाइम पे 1946 में उन्होंने एक आ, आर्ट एग्जीबिशन किया था वहाँ अच्छा। पर जो धीरेन्द्र धीरेन्द्र कृष्ण देवबर्मन के कोलाबोरेशन में दोनों ने मिलकर किया था जिसमें नंदलाल बोस नाथ टैगोर गगनेन्द्र नाथ टैगोर बहुत सारे आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया था वो हमारे लिए उस जमाने में सोचना बहुत ही मैंने दुर्लभ था ना वो वो चीज वो उन्होंने किया उसके बाद आ, जो माणिक डायनेस्टी है उसका मैंने राजा का जो सिंहासन पर राज करना था वो उसका समाप्ति हुआ उसके बाद सॉरी वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर के जो आ, पुत्र थे आ, हमारे महाराजा किरीट विक्रम जी।, जी।, जी तो वो भी सिंहासन पे थे बट उस टाइम पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का ऐसा ये हुआ और स्वाधीनता के बाद आर्ट माने कॉमन पीपल में स्प्रेड हुआ उसके अच्छा, बाद मतलब आजादी के बाद ज्यादा हाँ अभी प्रचलन, आ, हाँ प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा था त्रिपुरा में तो इस इसमें आप बोल सकते हो त्रिपुरा के जो विशिष्ट शिल्पी थे नलिनिकांत मजुमदार जो बाहर जाके मैंने कोलकाता से ट्रेन थे बेंगोली स्कूल के ये वो यहाँ पर वहाँ से सीख कर यहाँ पर आए उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे आर्ट एंड कल्चर के लिए स्प्रेड किया नोनी गोपाल राय है उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण देव है गौतम देव है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर एक यहाँ का आर्ट एंड कल्चर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया मैं ये जानना चाहूंगी कि तब के समय में यानी कि राजवंशों के समय में और उसके बाद जो धीरे धीरे जो समय बदला तब पोर्ट्रेट फॉर्म को ज्यादा पसंद किया जाता था या उस पर ज्यादा जोर दिया जाता था या फिर लैंडस्केप नहीं आ, पहले जो थे आ, आ, हम अगर वो मानिका डायनेस्टी में दे, देखे तो वहाँ पर धर्मियों धर, धर्म को लेकर या हिंदू शास्त्र के ऊपर या कोई कहानी चित्रकार राजमाला के ऊपर काम किया जाता था और मैं एक नाम स्क्रिप्ट कर गया और एक पॉइंट जो है त्रिपुरा के राजबाड़ी में नॉट ओनली कि महाराजाएं इन काम में पारदर्शी थे अच्छा। उनके जो पुत्री आ, कमल प्रभा देवी अच्छा। थी आ, वो भी उतना ही पारदर्शी थी, थी हाँ हाँ तो फीमेल आर्टिस्ट भी थी उस थे उस समय तो उन्होंने भी एकेडमिक ट्रेनिंग उन्होंने नहीं लिया बट उन्होंने खुद के मन से उन्होंने बहुत सारे काम किए जो कि बहुत ही खूबसूरत काम है उनका ऑयल कलर में ही किया इस और उनका काम भी है यहाँ पर तो ये मैं थोड़ा सा कर गया उसके बाद आ, आ, हमारे यहाँ का डेवलपमेंट आर्ट एंड कल्चर का और ज्यादा बढ़ा जब त्रिपुरा में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का आ, स्थापना हुआ जब इसकी स्थापना हुई बिल्कुल तो आ, जैसे कि आपने कहा कि तब के समय में आ, जो पोर्ट्रेट फॉर्म को ही ज्यादा आ, धार्मिक. हाँ, हाँ धार्मिक फरमाइशी पोर्ट्रेट किया जाता था उसके बाद लैंडस्केप बहुत बाद में आया हाँ लैंडस्केप वगैरह लैंडस्केप था बट मैंने रिलेट करके अच्छा। जो आप झूलन आप का जो दृश्य देखिए उसके साथ कैसा लैंडस्केप जाएगा हुँ, हुँ, उसको आ, किया जाता था, किया था जा उसका था और बाद में जब ट्रेंड आर्टिस्ट जो यहां पर आए अगरतला में जो सिक्कर त्रिपुरा में आए यहां पर और स्प्रेड किया तभी आर्ट का थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज हुआ कैनवास चेंज हुआ उसका कलर धीरे धीरे सब चेंज हो रहा था उस समय में आपने थोड़ी देर पहले बताया था की हमारे यहाँ के जो महाराजा बीर विक्रम माने के बहादुर की तुलना राजा रवि वर्मा जैसे की जाती थी किशोर का जी तो इसका मतलब ये कारण इस उनको इस तरह से रवि वर्मा जी के साथ रिलेट किया गया क्योंकि रवि राजा रवि वर्मा जो वेस्टर्न एकेडमिक टेक्निक में इतना माहिर थे वो और इतना ज्यादा काम उन्होंने किया हुआ था उसके काम का जो लेवल था वो यहाँ के महाराजा बीरंदर किशोर मानिक का भी सेम ही था वो वेस्टर्न टाइप का काम ही करते थे ऑयल पेंटिंग में ही काम ज्यादा किया जाता था इसके अलावा डस्ट कलर है उसमें काम किया जाता था स्प्रे करके उसको फिक्सेटिव देके उसको परमानेंट किया जाता था उसके बाद वाटर कलर का आया ऐसा फिर ओपिक वाश टेक्निक ऐसा धीरे 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 धीरे, धीरे आया तो आप जो रंगों की बात कर रहे हैं तब आज के समय में जिस तरह से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है चित्रकारी में जो विद्यार्थी जिस तरह से कर रहे हैं आजकल के जो आर्टिस्ट हैं आप भी एक आर्टिस्ट हैं लेकिन तब के समय में जिस तरह के रंगों का इस्तेमाल किया जाता था इन दोनों में आप कितना बड़ा अंतर देखते हैं और बेहतरीन तो समय के साथ जो नया आता है वो बेहतरीन होता है लेकिन फिर भी दोनों में किस तरह का अंतर था कौन सा ज्यादा प्रचलित रहता था देखिए पहले तो अगर मैं कलर की बात करूं तो पहले जो कलर थे से मैं त्रिपुरा के नहीं पूरे भारत में ही बोलना चाहता हूं वो अजंता की टाइम पे आप पकड़ो कि उस टाइम पे जो कलर होता था वो आर्थ कलर होते थे डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स स्टोन्स वगैरह मिट्टी वगैरह से कलर क्रिएट किया जाता था उसके साथ बाइंडर के तौर पर गम आठा जो हम बोलते हैं हम, मतलब वो हम मिक्स अप करके काम जो किया है नेचुरल चीजें हैं नेचुरल प्राकृतिक तौर पर, पर को जो मिलता था, था। पोस्टर का बनाया जाता था उससे काम किया करते थे लेकिन आज हमारे पास सिंथेटिक हैं। अभी तो बहुत ज्यादा अभी देखिए आर्ट का जो डेवलपमेंट अगर मैं वेस्टर्न कंट्री से वो पकड़ो तो रैनेसा के से स्टार्ट है जहां पर दो, दो दा विंची काम कर रहे थे मोनालिसा उनका पेंटिंग है अभी पोस्ट मॉडर्न आर्ट चल रहा है अभी आर्ट कैनवास में सीमावर्ध नहीं है वो बी ऑन कैनवास कैनवास के बाहर बहुत सारे पोस्ट मॉडर्न आर्ट हो रहे हैं अभी इंस्टॉलेशन आर्ट वीडियो इंस्टॉलेशन आर्स कल्चर पेंटिंग एक साथ कोलावोरेट हो गया है आप जिस मॉडर्न आर्ट की बात कर रहे हैं उस आर्ट के तौर पर त्रिपुरा को आप कहाँ देखते हैं क्योंकि आज हमारे त्रिपुरा का स्वरूप बहुत कुछ बदल चुका है अगर बाहर से कोई इंसान त्रिपुरा अगर आए तो देखेगा कि हाँ भाई यहाँ पर आर्ट बहुत आ, कह सकते हैं आर्ट का प्रचलन बहुत ज्यादा है लोग इस पर आ, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको वो किस नजर से, आप त्रिपुरा को किस नजर से देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का जो 1975 में डॉक्टर सुमंगल सैन और उस टाइम का जो अधिक चौधरी जो डायरेक्टर थे उन लोगों के प्रयास से त्रिपुरा में आर्ट कॉलेज स्थापन हुआ जो कि अभी रविंद्र भवन है रविंद्र भवन के कोरिडोर में बारांदा जो बोलते हैं हम लोग बंगाल में बारांदा में स्टार्ट हुआ था थर्टी टू थर्टी थ्री स्टूडेंट ऐसा लेके तो वहां पर ही क्लास होता था अच्छा। तो उसके बाद शिफ्टिंग होकर गवर्नमेंट म्यूजिक कॉलेज में उसका शिफ्टिंग हुआ उसके बाद मोटर स्टैंड में एक आ, आ, जो एक घर पेंग, पेंगेस जैसे रहता है ना भाड़ा बोलते हम तो उस वहाँ पर था उसके बाद सीटीटीआई बिल्डिंग में पूर्वाशा अभी जो है उसके पास में था उसके बाद कॉलेज चला के एक नंबर हॉस्टल में तो था अब जाकर वो अभी परमानेंट हुआ पर्मनेंट है बागान में जो है आर्ट आर्ट तो, तो इसके फैलाव में त्रिपुरा गवर्नमेंट जो आर्ट कॉलेज है इसका बहुत बड़ा हाथ है बहुत बहुत बड़ा हाथ है अभी जो हम जो स्टूडेंट्स इवन की मैं भी अभी वहां से ही पढ़कर मैं हम लोग बाहर निकले हमारे जो टीचर्स पहले भी थे अभी भी है जो उन लोगों के गाइडेंस के तौर पर हमारा देखिए वह उस समय इंटरनेट फैसिलिटी नहीं था कम्युनिकेशन सिस्टम इतना खराब था इतना ज्यादा नहीं था हम बाहर के राज्य से या बाहर के कंट्री से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे और मेटेरियल्स हम लोगों को इतना ज्यादा नहीं मिलता था अब जैसा बहुत ज्यादा ईजी है सब मिलने मिलने का तो इसलिए अभी हमारे कॉलेज से जो स्टूडेंट्स लोग पास आउट हो रहे हैं अभी बाहर जाकर वो लोग बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश है पहले भी था पहले भी थे हमारे यहाँ पर जो पार्थिव देव जो है आर्टिस्ट जो कोलकाता में अभी फेमस आर्टिस्ट है वो पार्थ प्रतिम देव जयश्री चक्रवर्ती प्रमुख चिन्मोय राय जो थे सर कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया तो वो लोग हमारे आर्ट एंड कल्चर को स्प्रेड करने में स्वपन नंदी बहुत संगमित्र नंदी नॉट ओनली मेल आर्टिस्ट इंक्लूडिंग फीमेल वो लोग भी बहुत ज्यादा कोशिश किया मैंने आज जो डेवलपमेंट है उसके पीछे उन लोगों का बहुत बड़ा, बहुत हाथ बड़ा योगदान है, बिल्कुल बहुत बड़ा है।, है तो जैसे की हम लोग आर्ट के बारे में बात करे थे कला के बारे में तो इसमें एक और बात मैं जानना चाहूंगी की तब के समय में यानी कि मैं अगर राजवंश क्यूँकी हमारी बात वही से शुरुआत हुई थी तो आज जो हम जो कहते हैं की थीम या विषय तो तब आपने कहा कि धार्मिक विषयों को लेकर देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते थे तो आज जहाँ पर त्रिपुरा में आज जहाँ पर चित्रकारी जहाँ पे खड़ी है आर्ट जहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पर किस तरह के थीम अब ज्यादा चल रहे हैं? देखिए अभी जो है अभी ज्यादातर जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो उनका लैंग्वेज जो हम आर्ट का लैंग्वेज बोलते हैं एक एक आर्टिस्ट का एक एक टाइप का होता है वो style. हाँ स्टाइल भी अलग होता है मीडियम यूज भी अलग होता है उनका थॉट प्रोसेस भी अलग अलग सा होता है जी. तो मैं क्या सोचता हूँ और मैं उसको ही मैं कैनवास में आ, डिपिक्ट करता हूँ अभी अभी जो आर्ट प्रैक्टिस चल रहा है उसमें हम आ, ज्यादातर मीडियम को लेकर एक्सप्लोर कर रहे हैं आर्टिस्ट कि डिफरेंट डिफरेंट कैसे मीडियम को हम एक्सप्लोर कर पाए रंग बोलो आप स्ट्रक्चर्स बोलो कलर बोलो फॉर्म बोलो इवन की सपोर्ट बोलो सभी को लेकर एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी आर्ट में बहुत ज्यादा अभी आर्ट वीडियो इंस्टॉलेशन के थ्रू मैसेज हो रहा है अभी आर्ट ऐसा नहीं है कि आप सुंदर सा सीनारी देख बोलो बा ऐसा नहीं है आर्ट में अभी मैसेज है हाँ मैसेज दे रहे हैं आर्टिस्ट सोसाइटी को हम सोसाइटी के अंदर है तो सोसाइटी के अंदर रहकर हमारे पेरी के अंदर रहकर हम क्या फील कर रहे हैं हम वहां से ही हम लोग अपना जो आर्ट का जो मोटिव है वो कलेक्ट करते हैं कोई फोक बेस्ड आर्ट करता है कोई रियलिस्टिक आर्ट करता है कोई एब्स्ट्रैक्ट करता है एब्स्ट्रैक्ट सभी आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्शन में ही हैं बट क्यों ज्यादा बहुत ज्यादा आर्टिस्ट फॉर्म को लेकर कलर को लेकर काम ज्यादा करते हैं कुछ आर्टिस्ट है फिगरेटिव काम करते हैं एक एक आर्टिस्ट का एक एक स्टाइल टेक्निक और वो एग्जीक्यूशन है आर्ट का आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉलेज की बात की थी कि गवर्नमेंट जो आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज है तो यहाँ पर पहले उसकी स्थिति अलग थी और आज बहुत 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 बेहतर है तो यहाँ पर विद्यार्थियों को किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है देखिए पहले जो आर्ट कॉलेज में पहले तो डिप्लोमा कोर्सेस चालू था उसके बाद धीरे धीरे डिग्री कोर्सेज चालू हुआ पहले फाइव इयर्स डिग्री कोर्स था जिसमें क्वालिफिकेशन था माध्यमिक पास मैंने हो होने पर आप कर सकते थे अभी सेमिस्टर सिस्टम का चालू हुआ है तो हमारे आर्ट कॉलेज में फिलहाल सेमिस्टर सिस्टम में काम हो रहा है उसके उसके साथ डिप्लोमा कोर्स भी है और एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स है और हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट है आर्ट स्कल्पचर डिपार्टमेंट हाँ स्कल्पचर डिपार्टमेंट है पेंटिंग है ग्राफिक्स का भी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है अभी चल रहा है प्रोसेस फिर आर्ट हिस्ट्री है मॉडलिंग एंड स्कल्पचर एडवर्टिजिंग आर्ट है और सर्टिफिकेट कोर्स तो है ही तो आपको क्या लगता है विद्यार्थी ये जो कला है कला कही है, जो ललित कला इनको सीखकर कर यहां से प्रशिक्षण लेकर भविष्य में किस तरह का सपना देख सकती है एक्चुअली देखिए पहले तो आर्ट की तरफ झुकाव इतना ज्यादा हर एक को नहीं था क्योंकि पेरेंट्स हर एक पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बेटा और बेटी बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर होगा आर्ट करके क्या करेगा उसका क्या भविष्य है क्या ये सोच, सोच हमारे मेरे भी माता पिता सेम ही सोचते थे उस टाइम पे तो ऐसा नहीं है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आर्ट कॉलेज के तरफ झुके हैं आर्ट प्रैक्टिस या चाइल्ड आर्ट प्रैक्टिस यहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है और हम लोग प्राउड के साथ कर सकते हैं अभी नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो आर्ट कॉलेज है वो एक अलग ही मुकाम है उनका उसका बाहर से भी स्टूडेंट्स यहां पर एडमिशन ले रहे हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी चाह रहे हैं यहां पर आकर आर्ट प्रैक्टिस करें तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है हम जो टीचर्स वहां पर है और हमारे जो गुरु थे और ओवरऑल जो आर्ट का प्रैक्टिस त्रिपुरा में इन फ्यूचर और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है और भी होगा आ, चांसेस है आप तो, हैं आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे इस आर्ट वैसे तो बढ़ावा बहुत कुछ मिल चुका है और भी आने वाले समय में बहुत ज्यादा उन्नति होने की आसार नजर आसार, आ रहे हाँ, हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल सुनकर बहुत अच्छा लगा और इस, 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 इसके क्रम में गवर्नमेंट यानी कि सरकार भी बहुत अच्छे से काम कर रही है जैसे कि हमारे त्रिपुरा के चित्र को ही बदल दिया गया है आप जगह जगह जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से चित्रकारी आपको दीवारों पर देखने को मिलेगी बहुत ही सुंदर बिल्कुल आपकी बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपने जिस तरह से त्रिपुरा में कला के परिप्रेक्ष्य में जो जो बातें की बहुत कुछ हमें जानने को मिला बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में पधारें और अब आपसे विदा लेते हैं फिर मुलाकात होगी नमस्कार